दिल्ली तो उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, कीचड़ तो कीचड़ कर दिया, लंदन बन चुका है। आप भी लंदन में खड़े हैं, खुशी हो रही है? बिना पासपोर्ट के ना कोई हॉस्पिटल बना, ना कोई स्कूल बना, ना कुछ बना। बना क्या, हर जगह पे ठेके बने, एक पे एक फ्री बना। आप बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक जो ये बना के बैठे, वहाँ गेट बंद है, क्या देते हैं? पैरासीटामोल की एक पत्ता, वो तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इतना ज्यादा आपने जनता का पैसा कहाँ बर्बाद किया? भ्रष्टाचार में आपका मंत्री भ्रष्टाचार में बंद है, सत्येंद्र जैन। दूसरा, अरे अरे सीबीआई के जांच के फेरे में। तीसरे, आपके विधायक सारे वो अरे भ्रष्टाचार के उसमें। आप ईमानदारी की बात कहाँ कर रहे हैं? ये कट्टर ईमानदार है, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये कट्टर भ्रष्टाचारी है, ये कट्टर भ्रष्टाचारी है। और इस भ्रष्टाचारी को अगर अभी समाप्त नहीं किया गया तो ये देश के लिए खतरा होगा, क्योंकि ये आजकल देश के बॉर्डरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब अभी गया है, गुजरात जाने की कोशिश कर रहा है, और गोवा, ये समुद्र इलाकों में कर रहा है। जिस तरीके से ये आतंकवादी गतिविधियां कैसे करा सकता है, हमें बाज है ये। ₹5 के एक सेलो का पेन लगा के और एक्सल वाले शर्ट पहन के और चप्पल पहन कर और ₹32 लाख डेली खर्च करा के ये अपने आप को आम आदमी बताता है। गुजरात में ये ड्रामा करता है, ऑटो में जाके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आम आदमी हूँ। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, इससे बड़ा ढोंगी मैंने कहीं देखा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जो गुरु का सगा नहीं वो किसका सगा।